ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, ये इसकी रेकंसिलेशन बाउंड्री थी। इसकी एक साइड जो है उसमें एन माइनस वन एलिमेंट्स हैं और दूसरी साइड में, दूसरी पार्टीशन में जीरो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो उससे ये सिंप्लीफिकेशन करते हुए इस रेकरेंस इक्वेशन तक पहुंचे थे, और फिर इस रेकरेंस इक्वेशन को ये सॉल्व किया था, तो ये बिग ऑफेंस कहलाया था। इसका बेस्ट केस उस वक्त अराइज करता है जब हर दफा जब पार्टीशन का फंक्शन कॉल हो, हर दफा जब पार्टीशन का फंक्शन कॉल हो तो लेफ्ट पार्टीशन में और राइट पार्टीशन में ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मर्ज सॉर्ट में होते थे। मर्ज सॉर्ट को जब डिवाइड करते थे तो उसके जो दो सब डिविजन्स बनती थी, जो छोटे सब प्रॉब्लम बनते थे, उनमें सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क होता था। अगर एक तरफ चार है तो दूसरी तरफ हो सकता है पांच हो, ठीक है जी। तो उस केस में अगर यहाँ पे भी पार्टीशन में हर दफा ऐसे ही हो तो वो जो रेकरेंस इक्वेशन बनती है वो ये बनती है जो कि एग्जैक्टली मर्ज सॉर्ट वाली होती है। और इसका आप पहले से ही देखाए हुए हैं, इसका सोल्यूशन जो है मर्ज सॉर्ट का, ये O of n log n बनता है, ठीक है जी। तो इसका बेस्ट केस जो है वो O of n log n है, लेकिन ये बेस्ट केस जो है ये नॉर्मली अराइज नहीं होता, रेयर है। उस तरह जिस तरह के हमने ये मर्ज सॉर्ट देखा है कि पार्टीशन क्या है, हर दफ़ा राइट मोस्ट एलिमेंट लेती है, राइट मोस्ट एलिमेंट को पिवट बनाती है और उसके अगेंस्ट दो पार्टीशन बनाती है, ठीक है जी। तो ये बहुत रेयर है। इसको अचीव करने के लिए वो यूं करते हैं कि पार्टीशन के एलिमेंट जो है ना हमारा एल्गोरिदम, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये पार्टीशन का फंक्शन, ठीक है, इसमें हमेशा राइट मोस्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट लेते हैं। तो बजाय ये करने के वो ये करते हैं कि रेंडमली इसके ऊपर रेंडम नंबर जनरेटर चलाते हैं, ठीक है। वो बताता है कि ये जितने एलिमेंट हैं एल और आर के दरमियान, इनमें से रेंडमली कोई एक एलिमेंट चूज करके उन्हें देता है, उस एलिमेंट को ये पिवट बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट करो एन एलिमेंट्स हैं, इससे पहले पहली लाइन रेंडम नंबर जनरेटर चलाया, उसने जो 10 नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन इंडेक्सेस में से कोई एक इंडेक्स उठा के हमें रिटर्न करता है, लेट्स से 5। ये जो इंडेक्स 5 के ऊपर एलिमेंट पड़ा हुआ है इसको ऐसे पिवट चूज करो, तो इंडेक्स 5 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसे उठा के हम इस पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे उसे एक्सचेंज कर देते हैं। सो फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट था अब वो राइट मोस्ट एलिमेंट बन गया है, राइट मोस्ट एलिमेंट जो था वो फिफ्थ पोजीशन पे चला गया है, उसके बाद ये एल्गोरिथम चलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो इसको रेंडमाइज्ड पार्टीशन कहते हैं, ठीक है। और हर दफा जब ये करने आता है यहाँ पे तो यही अमल होता है, ठीक है। तो अगर रेंडमाइज पार्टीशन यूज किया जाए तो जो हमारे पास क्विक सॉर्ट बनता है उसको भी रेंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट कहते हैं, रेंडमाइज्ड ठीक। सो इससे प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है
कि वर्स्ट केस वाला सिनेरियो अराइज नहीं होगा, वर्स्ट केस वाला सिनेरियो अराइज नहीं होगा। वर्स्ट केस वाला सिनेरियो क्या था? ये जो भी कल की है कि एक पार्टीशन में एन माइनस वन एलिमेंट होते हैं और दूसरी पार्टीशन में जीरो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये अराइज नहीं होता। और अगर ये अराइज नहीं होता तो फिर बजाय इसके कि ये बेस्ट केस सिनेरियो आए, हम फिर इसकी एवरेज केस एनालिसिस करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड एनालिसिस। एवरेज निकालना आता है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो फिर वो एवरेज केस एनालिसिस किया जाता है और एवरेज केस एनालिसिस फिर एन लॉग एन आ जाता है, ठीक है जी। तो ये है जी, अब वो एनालिसिस किया जा सकता है लेकिन वो अच्छा खासा मुश्किल है और नॉर्मली हम यूसीपी में नहीं कराते हैं, इसलिए उसको जाने देते हैं। तो सिर्फ ये था, याद रखना आप बजाय इसके कि हमेशा राइट मोस्ट एलिमेंट को उठा के पिवट बना दिया जाए, हम रैंडम एलिमेंट चूज करते हैं, उसको एज ए पिवट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर एल्गोरिथम ये पार्टीशन का चल जाता है, ठीक है। तो उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वर्स केस नहीं रहती है, वो ऑफ एन स्क्वायर वाली नहीं रहती है, इट बिकम्स वेरी क्लोज टू ओ ऑफ एन लॉग एन, उतनी ही जितनी मर्ज सॉर्ट की है। लेकिन ये मर्ज सॉर्ट से बेहतर काम करता है, यानी एक्चुअली जो ये टाइम लेता है, अगर हम किसी तरह से उसका टाइम कैलकुलेट कर सकें वो टाइम वाली APIs यूज करके, तो क्विक सॉर्ट जो है ये तेज चलता है बनिस्बत मर्ज सॉर्ट के। क्यों ये तेज चलता है? इसलिए कि इसका पार्टीशन का एल्गोरिदम जो है बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा है, बहुत तेज चलता है एज कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट का मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन अच्छा खासा लंबा है, तो वो हम देख चुके हैं, कहाँ देखा था, जब पिछले हफ्ते देखा होगा, हाँ नहीं पिछले हफ्ते देखा, ये देखो मर्ज का फंक्शन, इट्स क्वाइट लार्ज, ठीक है। इस वजह से रैंडमाइज क्विक सॉर्ट जो है वो एक्चुअल टाइम उसका जो है वो मर्ज सॉर्ट से बेहतर है, लेकिन एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मर्ज सॉर्ट की ओ ऑफ एन लॉग एन है वर्स्ट केस में, लेकिन क्विक सॉर्ट की एवरेज केस में ओ ऑफ एन लॉग एन है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है, बस यही था क्विक सॉर्ट। अब तुम और तो मैंने यार पढ़ाना नहीं है, और यही कुछ जो है ये मिड टर्म में आना है, यहीं तक ही। अगर आप कोई तुम लोगों ने पूछना है तो पूछ लो, एज ए रिव्यू कोई चीज़ पूछ